यहां आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए गए। पिछले 5 साल में सभी राजनीतिक दलों के एमपी एक बात को लेकर के मुझे लोकसभा और राज्यसभा के जब भी मिले हैं मेरी बधाई की है, मेरा अभिनंदन किया है। किस बात के लिए? अपने इलाके से किसी बीमार व्यक्ति के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री राहत कोष से उसको मदद मिले। मैंने नियम बनाया था 100% कुछ मत देखो भाई गरीब के लिए, और करीब करीब सभी दल के सभी एमपी मेरे पास आते थे। आयुष्मान भारत योजना की ताकत क्या है वो उस एमपी को मालूम है जिसने अपने इलाके के उस गरीब को मदद के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी ली। आज करीब करीब 0 चिट्ठी हो गई उसी एमपी की चिट्ठी है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको आयुष्मान भारत से फायदा मिल रहा है, इसलिए अब प्रधानमंत्री का कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा बदलाव, अब उस आयुष्मान भारत 30 लाख लोगों ने उसका लाभ उठाया। हाँ, हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, कोई नेगेटिव चीज हमारे ध्यान में आई है, कुछ कमी ध्यान में आई, मैं बताता हूँ हम सब मिलकर के उसको सुधारें। आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिए, आयुष्मान भारत योजना को जितना हम सशक्त बनाएंगे सच्चे अर्थ में इस देश के गरीब को हम और गरीब होने से बचा सकते हैं। वरना गरीब अगर न्यू मिडिल क्लास की दिशा में जा रहा है, पैर रखना है, घर में एक बीमारी आई उसकी पूरी 20 साल की मेहनत पानी में चली जाती है। हम बहुत बड़ा मानवता का काम होगा, इसलिए आयुष्मान भारत की आलोचना करने के बजाय, और इसकी क्रेडिट मोदी ले जाएगा, अब मिल गए भाई, हो गया, चुनाव का नतीजा आ गया, आप काम करो। 2024 के लिए नए काम लेकर के जाने वाला हूं मैं, आप चिंता मत कीजिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको जरा हम करें। यहां पर बिहार के चमकी बुखार की भी चर्चा हुई है, हम सभी के लिए दुख की बात है और शर्मिंदगी की बात है कि आधुनिक युग के अंदर, और मैं मानता हूं कि पिछले 7 दशक में सरकारों के रूप में और समाज के रूप में हमारी जो कुछ विफलताएं हैं उसमें ये एक सबसे बड़ी विफलता है, उन विफलताओं में से एक विफलता है, और इसको हम सबने गंभीरता से लेना होगा। मैं समझता हूं कि कुछ जगह पे सुधर, जैसे ईस्टर्न यूपी में इन दिनों अच्छी स्थिति नजर आ रही है, फिर भी क्लेम नहीं कर सकते लेकिन अच्छी स्थिति नजर आ रही है। जिन बातों को लेकर के पकड़ा है, टीकाकरण का काम हो, वैक्सीनेशन का काम हो, सुरक्षित मातृत्व का, इन सारी चीज़ों पर हम बल दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये जो दुखद स्थिति है, मैं राज्य सरकार के नीति संपर्क में हूँ, मैंने हमारे देश के आरोग्य मंत्री को भी तुरंत वहाँ दौड़ा था, और मिलकर के मदद कर करके उसमें से जितना भी जल्दी हो सके संकट में से सबको बाहर निकाल सके, पोषण हो, टीकाकरण हो, सुरक्षित मातृत्व हो, आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो, ये सारी चीज़ों का जितना ज़्यादा हम प्रचार करेंगे ऐसे संकटों से हम बचा पाएंगे। और आज एक राज्य में है, कल किसी और राज्य में हो सकता है, हमने ही एक प्रोएक्टिव होकर के ऐसी समस्याओं से लोगों को बचाने के लिए काम करना होगा।